हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून क्लास सेवन रेड। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चालू किए थे, ठीक है। सही, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अरविंद हैज पिगी बैंक, इट इज फुल ऑफ 1 रुपी एंड 50 पैसा कॉइन। इट कंटेन 3 times as many 50 पैसा कॉइन एज 1 रुपी कॉइन। द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन पिगी बैंक इज ₹35। हाउ मेनी कॉइन ऑफ ईच काइंड आर देयर इन द कितने कॉइन है और 50 पैसे का कितना कॉइन है, ठीक है। मानेंगे लेट द 1 रुपी कॉइन इज इक्वल टू x हो जाएगा, और 50 पैसा कॉइन इज इक्वल टू 3 × x, 3x, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे अमाउंट दिया गया, अब यहाँ पे तो कॉइन ही निकला, तो अमाउंट भी निकाल सकते हैं। 1 रुपी का कितना है, 1 times है, मल्टीप्लाई 1 कर देते हैं। और 3, ये जो x है ये किसका है, 1 रुपी का है, तो मल्टीप्लाई 1 रुपीज कर दिए। और ये 3 जो 3 times है वो किसका है, 50 पैसा है, 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे तो x ही रह जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1.5x। अब जोड़ देता है, x प्लस 1.5x इज इक्वल टू 35 हो जाएगा। तो 2.5x इज इक्वल टू 35, यानी कि x इज इक्वल टू 35/2.5। 0 को कर देंगे, अब काटेंगे इसको, तो 5 बार हो जाएगा 5, और 5 से आएगा ये 70, फिर 5 से आएगा ये 14 बार, यानी कि x का वैल्यू कितना आया, 14। तो 1 रुपी कॉइन इज इक्वल टू 40 कॉइन, और 50 पैसा कॉइन इज इक्वल टू 40 × 3, क्योंकि 3 times था, 42 कॉइन्स। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड ₹1380 अमाउंट अमर अकबर एंथनी सो दैट द अमाउंट दैट अमर रिसीव 5 times एज मच एज एंथनी शेयर एंड 3 times एज मच एज अकबर शेयर। यानी कि बोल रहा है 1380 रुपया है, ठीक है, और उसको क्या करना है, डिवाइड करना है तीनों के बीच में, अमर अकबर एंथनी के बीच में। और जो इसमें अमर है वो 5 times पाता है किससे, एंथनी के शेयर से, और अमर 3 times पाता है अकबर के शेयर से, ठीक है। तो मानेंगे कि लेट अमर शेयर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो अमर का शेयर एक्स हो गया। तो अब ये क्या बोल रहा है कि ये 5 times किससे पाता है, एंथनी से। तो अगर ये 5 times पाता है, यानी कि एंथनी का कितना होगा, एंथनी का x बाई 5 हो जाएगा, क्योंकि अगर इसका शेयर 5 times है और किसके इक्वल है, एंथनी के शेयर के इक्वल है, तो इसका शेयर, तो एंथनी का शेयर कितना हो जाएगा, x बाई 5 इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंथनी का शेयर हो गया x बाई 5, और उसका शेयर अकबर के इक्वल है कितना, 3 times। तो अब अकबर का कितना हो जाएगा, अकबर का x बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। अब जोड़ देंगे x प्लस x बाई 3 प्लस x बाई 5, क्योंकि अकबर पहले इज इक्वल टू 1380, ऐसे निकाल देंगे 15 आ जाएगा, 15x प्लस 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 1380। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 15 × 5 = 20, 3 23x अपॉन 15 इज इक्वल टू 1380/1, क्रॉस मल्टीप्लाई 23x इज इक्वल टू 1380/15, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1380/15/23, डिवाइड कर देंगे 60 times में कट जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना है, 900। तो आप देखिए यहाँ पे अमर का शेयर कितना निकला, रुपीज 900। अब अकबर का कितना निकला, अकबर 3 times था, मतलब x बाई 3 था, 900/3 कर देंगे, रुपीज 300। और एंथनी का कितना होगा, एंथनी इज इक्वल टू 900/5, ये x बाई 500, ₹180। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, 2 numbers आर इन रेशियो 2:3, इफ 9 इज एडेड इन ईच द रेशियो विल बी 3:4, फाइंड द नंबर, ठीक है। यानी 2 numbers है रेशियो में, 2:3, और दोनों टर्म में अगर 9 एड
जब 3 से ऊपर बन जाता है तो वो नंबर क्या तो मानेंगे, लेट बी एक्स, तो एक 2x रेशियो 3x हो जाएगा, 2x अपॉन 3x। अब क्या किया गया, दोनों में 9 जोड़ा जा रहा था, प्लस 9 अपॉन प्लस 9 इज इक्वल टू, अब रेशियो कितना बन गया, 3 अपॉन 4, तो 3 से 4 को 3 अपॉन 4 हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को इससे करते हैं, 4 दूनी 8 प्लस 4 9 है 36 इज इक्वल टू, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9x प्लस 27, तो अब यहाँ 36 में 27 घटा देंगे इज इक्वल टू 9x माइनस 8x, एक्स इज इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है। तो अब नंबर क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 2 18 और 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 9 27। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 450 इज शेयर्ड बाय ए एंड बी इन रेशियो 4 रेशियो 5, फाइंड द शेयर ऑफ ए एंड बी, यानी 450 रुपए को बांटा जा रहा है ए और बी में, ठीक है, और 4 रेशियो 5 का बन रहा है इन लोग का, तो हम लोग को ए और बी का क्या बताना है, शेयर बताना है, तो मानेंगे कि लेट बी एक्स, तो एक हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई एक्स रेशियो 5 मल्टीप्लाई एक्स, यानी कि 4x रेशियो 5x, मतलब 4x प्लस 5x इज इक्वल टू कितना हो गया 450, 9x इज इक्वल टू 450 हो गया, तो x इज इक्वल टू डिवाइड कर देते हैं 450 बटा 9, 9 से कटेगा 5 बार में और यहाँ 0, ठीक है, तो 4x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 50 यानी कि रुपीज 200, और 5x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 50 रुपीज 250, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 एंड 6.25, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, यानी कि यहाँ पे x रेशियो 4 प्रोपोर्शनल एज टू 6.25 रेशियो x कर देंगे, मीन प्रोपोर्शनल में यही होता है, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 6.25, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं 4520, हाथ लगा दो 4 2 9 10, 4 6 24 और 8 25, ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 225 कर देंगे, x इक्वल टू 5, ओके, आज के बस इतना ही, थैंक यू।